आप भी शायद आज दूसरी राय रखेंगे। अक्सर आप ऐसा नहीं है कि आप सरकारों को डिफेंड करते हैं, लेकिन जो वर्तमान सरकार है उसको लेकर के बहुत आक्रामक आप नहीं रहे हैं या उनकी बहुत आलोचना आपने अभी तक नहीं की है। जब जब मौका आया तो आपने आलोचना भी की है, ये भी मैं कह रहा हूं, लेकिन हमेशा आलोचनात्मक आप नहीं रहे हैं जैसा कि अन्य पत्रकार रहते हैं या और भी बहुत सारे पत्रकार हैं जो इस तरह का करते हैं। मैं उस श्रेणी में नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, बहुत गंभीरता से आज ये सवाल करना चाह रहा हूं, क्या ये बात उचित है दिल्ली पुलिस जाकर के उर्मिलेश जी के यहां, अभिषार शर्मा के यहां छापेमारी करे? मुझे इसमें कुछ अनुचित भी नहीं लगता है। देखिए, जहां तक जो जानकारी है वो जानकारी ये बता रही है, और मैं लगातार ANI के भी ट्विटर हैंडल को देख रहा हूँ, दिल्ली पुलिस के भी ट्विटर हैंडल से लगातार चीज़ें देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि देखिए, दिल्ली पुलिस ने रातों रात से ये सब कुछ नहीं किया है, और मुझे जहाँ तक लगता है पत्रकार होने के नाते, क्योंकि मैंने भी फील्ड में काम किया है, आपने भी किया, जाहिर सी बात है, तो दिल्ली पुलिस पिछले 6 महीने से इस सारे मामले को सर्विलांस पर रखी थी, और दिल्ली पुलिस ने ED के इनपुट्स के आधार पर गिरफ्तारी की है। अगर आप अभिषार को या उर्मिलेश जी को या एक ऐसे व्यक्ति हैं भट्टाचार्य जी, मैंने देखा वो चाइना को डिफेंड करते हुए, उनका न्यूज़ क्लिक का एक वीडियो है जिसमें 3.5 मिनट वो बिना रुके बिना सांस लिए हुए, और मुझे लगता है कि धारा प्रवाह बोल रहे और चाइना को डिफेंड कर रहे हैं। इस तरीके से वुहान वायरस, कोविड वायरस के फैलाने में चाइना का योगदान नहीं रहा। खैर बहरहाल, और इन सब को छोड़िए, मैं कहता हूँ ED को छोड़िए और दिल्ली पुलिस को छोड़िए, आप कह सकते हैं कि वो गृह मंत्री के अंदर आता और जानबूझकर सरकार कर रही है। मुझे लगता है कि ऐसे लेफ्ट बिरादरी या तमाम उन लोगों के जिसको वो गीता और कुरान की तरह पवित्र मानते हैं, वो है द न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स जब एक रिपोर्ट छापता है, वो कहता है किस तरीके से न्यूज़ क्लिक को करोड़ों रुपए हवाला के जरिए मिले हैं, डमी शेल्स कंपनियों के जरिए मिले हैं, और न्यूज़ क्लिक, ये न्यूयॉर्क टाइम्स है, मैं अगर आप बोलिएगा तो मैं उस आर्टिकल को भी दिखाऊंगा जहां पर वो क्लियर कट कहता है कि ये सेल्स कंपनियां इस कंपनी को डमी फंड कर रही हैं और लगातार फंड हो रहा है, और ये फंड का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है, ये किस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू उन पत्रकारों तक जा रहा है, न्यूज़ क्लिक तक जा रहा है, न्यूज़ क्लिक किस तरीके से देते हैं। अभी एक पत्रकार के साथ मैं डिबेट में था, उन्होंने कहा कि हम पत्रकार हैं, हमें केवल इस चीज़ से मतलब होता है कि हमें सैलरी कौन देता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता है कि जहाँ हम काम कर रहे हैं उसका परसेप्शन क्या है, उसका एजेंडा क्या है। मैंने कहा कि आप इतने तो मिट्टी के माधव नहीं हैं, जो सरकार को जानता है, सरोकारों को जानता है, जो इधर विधर दाएं बाएं हर खबरों को जानता है, उसको ये नहीं पता है कि वो कहाँ काम कर रहा है और वो किस तरीके से काम कर रहा है और किस तरीके की स्टोरीज वो कर रहा है। आशुतोष जी, आपका एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा है, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या एडिटर्स, क्या एडिटर चीफ्स, आपको नहीं लगता कि किसी खास प्रकार के एंगल्स, किसी खास प्रकार की स्टोरी को करने के लिए और एक खास एंगल में करने के लिए आदेश देते हैं? मुझे नहीं पता कि पिछले 30 साल पहले क्या होता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के पत्रकारिता में ये बहुत होता है, बड़े पैमाने पर होता है, एजेंडा को ड्रिविन करना, परसेप्शन को क्रिएट करना और कुछ लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए किसी प्रकार की पत्रकारिता करना, जिसको लगातार न्यूज़ क्लिक लगातार कर रहा है। तो ये एजेंडाधारी चाइनीज पत्रकारों पर अगर छापा पड़ता है बकौल मीडिया, तो इसमें गलत क्या है? क्या मेरे और आपके लिए कानून अलग है? क्या हम पैसा लेकर ये जो कारतूस छापने वाले या फिर कहा जाए कि ये सुपारी पत्रकारिता अगर हम लोग कर रहे हैं, अगर देश विरोधी काम कर रहे हैं, देश की जड़ें खोदने के काम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी को 1,00,000 गालियाँ दीजिए, आप सबको गालियाँ दीजिए, लेकिन गलत तो हर मामले में गलत है ना, गलत तो सर्वथा गलत हो सकता है ना, आप उसे सही कैसे ठहरा सकते हैं? श्रीकांत जी, देखिए, मैं असल में दूसरी लाइन पे चल रहा हूं और मेरी लाइन थोड़ी सी सबसे अलग है। आप उसे कह सकते हैं कि मैं एकलह चलो की भूमिका में हूं। मैं ये जो
राइट विंग और लेफ्ट विंग के इसमें मैं फंसना नहीं चाहता, क्योंकि दोनों के अपनी अपनी बाध्यता है और अपनी अपनी नीचता है। बल्कि मैं बिल्कुल नीचता शब्द का बड़ी गंभीरता से मैं बोल रहा हूं, जिम्मेदारी पूर्वक बोल रहा हूं। दोनों अपने विचार के प्रति इतने प्रतिबद्ध हैं